गुड मॉर्निंग, स्वागत है फिजिक्स के फंडे चैनल में। आज का ये क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डिपेंड्स अपॉन ग्रेविटी। ये क्या जो भी क्वेश्चन है वो किसका, नीड का, हीट ट्रांसफर का, हीट ट्रांसफर का, हीट ट्रांसफर का नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन जो है नीट प्रीवियस ईयर पी वाई क्यू नीट है, समझ गए, पी वाई क्यू नीट है। तो पहला है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डिपेंड्स ऑन ग्रेविटी, आपका कौन सा प्रोसेस ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। तो आपको आपको जो ग्रेविटी पे डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ कन्वेक्शन, क्योंकि कन्वेक्शन में ही जो है पार्टिकल एक स्थान से हीटिंग पार्ट चार्ज इनर्जी लेने के बाद हीट लेने के बाद पार्टिकल एक पोजिशन से दूसरे पोजिशन में जाता है। तो आपका क्या होगा ऑप्शन, कन्वेक्शन। क्यों देखो, ग्रेविटी का जैसे आप यहाँ पे अगर मान लो ये कंटेनर और इसको हीट, यहाँ पे वाटर भरा हुआ है, जैसे वाटर भरा हुआ है तो आपको यहाँ पे क्या होता है, आपको जैसे हीट लेगा तो क्या होगा, ये हल्की हो जाती है, जैसे इनर्जी लेती है मॉलिक्यूल तो हल्की ये ऊपर चली जाती है जो, और ठंडी है वो क्या होती है, नीचे आ जाती है, समझ गए ना। जो ठंडी मतलब जो जिसका जिस मॉलिक्यूल का टेम्परेचर कम होता है वाटर मॉलिक्यूल का, वो या कोई भी लिक्विड है जिसका जो जिसकी जो इनर्जी लेता है उसका क्या होता है, उसकी वो हल्की हो जाती है, जिसकी एनर्जी कम होती है वो भारी होती है तो नीचे आ जाता है। और इस तरह से क्या होता है आपका सर्कुलेशन होता है, ये ऊपर जाता है ये मॉलिक्यूल, ऊपर वाला मॉलिक्यूल नीचे आता है, ये क्या इसमें ग्रेविटी का काम होता है, समझ गए। इसलिए क्या व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डिपेंड्स ऑन ग्रेविटी, जैसे आप इनर्जी लो जैसे वाटर मॉलिक्यूल जैसे एयर मॉलिक्यूल भी है तो क्या होता है, जैसे वो हीट लेती है तो क्या होता है, गर्म होती है क्या वो हल्की होकर ऊपर चले जाते हैं, और जो ठंडी हवा होती है ऊपर की जो ठंडी मॉलिक्यूल होती है एयर की वो नीचे आती है, समझ गया। तो इसमें क्या होता है, तो आपको इसमें कन्वेक्शन में क्या होता है कोई भी फ्लूइड में कि आपको हीट लेने के बाद वो हल्की हो जाती है ऊपर चले जाते हैं, जो ठंडी हो तो नीचे आ जाती है क्योंकि भारी होती है। तो इसमें क्या होता है, फॉलोइंग प्रोसेस डिपेंड्स ऑन ग्रेविटी, कौन सा होगा, कन्वेक्शन, समझ गए। जो मॉलिक्यूल हीट लेगा मीन्स एनर्जी लेगा वो क्या होगा, भारी हल्की हो जाएगी, जो जो भी मॉलिक्यूल, तो यहां से अगर गर्म कर रहे हैं तो यहां पे हीट दे रहे हैं, ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, हल्की हो जाएगी ऊपर जाएगी, और जो ठंडी है ऊपर से वो नीचे आ जाएगी क्योंकि वो भारी है। तो ये क्या होता है, कन्वेक्शन, समझिए। आपसे ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन में कि कौन सा फास्टेस्ट प्रोसेस है हीटिंग का, फास्टेस्ट प्रोसेस ऑफ हीटिंग, समझिए, फास्टेस्ट प्रोसेस ऑफ हीटिंग। सबसे क्या होता है, सबसे फास्टेस्ट होता है रेडिएशन, उसके बाद कन्वेक्शन, और सबसे स्लो होता है कंडक्शन। स्लोएस्ट प्रोसेस कौन सा होता है, कंडक्शन, सबसे फास्टेस्ट प्रोसेस कौन सा होता है, रेडिएशन, और बीच में होता है कन्वेक्शन, जिसमें वाटर, समझिए ना। तो ये भी पूछ सकता है, ये भी याद रखिएगा। तो किस प्रोसेस में होता है ग्रेविटी का काम, तो सिर्फ और सिर्फ कन्वेक्शन होता है, ना रेडिएशन होता है ना कंडक्शन, और सबसे फास्टेस्ट प्रोसेस ऑफ हीटिंग कौन सा होता है, तो आपका होता है रेडिएशन, उसके बाद कन्वेक्शन, उसके बाद क्या होता है, कंडक्शन। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, रेट ऑफ हीट फ्लो थ्रू ए सिलिंड्रिकल रॉड इज h1, टेंपरेचर ऑफ इंड ऑफ रॉड आर t1 एंड t2, इफ द ऑल डायमेंशन ऑफ रॉड आर डबल एंड टेंपरेचर डिफरेंस रिमेंस सेम द रेट ऑफ हीट ऑफ फ्लो। बहुत आसान क्वेश्चन है, एक रॉड है जिसका डायमेंशन लेंथ मान लेते एल है और रेडियस क्या है आर है, समझिए, लेंथ क्या एल है और रेडियस आर है, तो टेम्परेचर यहाँ का t1 है यहाँ का t2 है, h1 क्या होगा, हीट फ्लो q/t, रेट ऑफ हीट फ्लो क्या होगा, तो आपको KA/t1-t2/L, ए को क्या लिख सकते हैं, ए बराबर क्या होगा पाई आर स्क्वायर, यही ना, ये आपका रेडियस, ये आपका है, ये आपका क्या होगा पाई आर स्क्वायर, यहां लिख सकते हैं के पाई आर स्क्वायर t1-t2/L, समझिए। अब दूसरा केस में क्या आपका, आपका यहां से एरिया क्या हो गया, डबल हो गया, समझ गए, ये रेडियस 2r हो गया और लेंथ क्या हो गया आपका 2l,
लेंथ आपका क्या आ गया 2L, समझ गए। तो X2 जो बोल रहा हीट क्या हुआ, K तो चेंज, मटेरियल तो सेम है इसलिए K चेंज नहीं हुआ, एरिया को मान लेते हैं A2, टेम्परेचर भी यहां का क्या है T1 है, टेम्परेचर डिफरेंस भी चेंज नहीं हुआ, T1 माइनस T2 बाय लेंथ कितना है 2L, इसको बोलते हैं A2। अगर यहां इसको A1 बोल देते हैं, A1 इसको क्या बोलते हैं A2, A2 बराबर क्या होगा π2R का होल स्क्वायर, π2R का होल स्क्वायर मींस π4R स्क्वायर, यहां पुट कर लो यहां से क्या X2 बराबर जो होगा K1 K π4R स्क्वायर T1 माइनस T2 बाय 2L, यहां से 2 से 2 कैंसिल हो गया, X2 बराबर क्या हो 2K π r स्क्वायर T1 माइनस T2 बाय L, और इसको क्या बोल सकते हैं H1 बोल सकते हैं, H2 बराबर क्या हो गया 2H1, यही ऑप्शन था, समझ गए, H2 बराबर 2H2, कुछ नहीं करना इसमें, कुछ नहीं है आपको, रेडियस बोला कि ऑल डायमेंशंस आर डबल, तो मींस रेडियस भी डबल होगा और लेंथ भी डबल होगा, तभी यहां से लेंथ को डबल कर दिया 2L कर दिया और रेडियस को 2R, टेम्परेचर सेम रख दिया, H1 बराबर Q1 Q/T, H2 बराबर Q/T, चलिए इसको Q1/T1 लिख लो H या Q/T, अब हीट फ्लो क्या होगा अलग-अलग होगा H1 H2, इसको भी क्या बोल सकते हैं Q/T जो H2 होगा, यहां पे क्या होगा कि फॉर्मूला तो चेंज नहीं होने वाला है ना, फॉर्मूला जो है Q/T H बराबर H2 KA2 T1 माइनस T2 बाय 2L, फॉर्मूला तो कभी चेंज होना नहीं है, फॉर्मूला में क्या हो K का वैल्यू यहां पे क्या है, यहां क्या है लेंथ, यहां पे जब L है यहां पे 2L है, टेंपरेचर डिफरेंस यहां पे T1 T2 है, यहां पे टेंपरेचर डिफरेंस T1 T2 है, एरिया यहां पे पार्ट्स पर यहां पे क्या हो तो रेडियस डबल हो रहा है, एरिया क्या हुआ 4 गुना हो जाएगा, हमने 4π r² का लिखा कर दिया, और कोई दिक्कत हो, ये दो क्वेश्चन है, पहला भी क्या बताया कि पहले क्वेश्चन में हमने क्या बताया कि आपको कि कन्वेक्शन जो होता है उसमें ग्रेविटी होती है, क्योंकि जब एनर्जी लेता है तो वो क्या होता है हल्की हो जाती है, तो ऊपर चली जाती है जो, और जिस वाटर जिस मॉलिक्यूल की लिक्विड या फ्लूइड कोई भी फ्लूइड हो, फ्लूइड मींस लिक्विड या गैस, जो भी मॉलिक्यूल्स एनर्जी लेती है फ्लूइड की वो हल्की हो जाती है, वो ऊपर चली जाती है, जो जिसके पास एनर्जी कम होती है वो भारी होती है, नीचे आ जाती है, और ये इसमें क्या करता है ग्रेविटी का काम होता है, और सबसे फास्टेस्ट प्रोसेस कौन सा होता है तो कौन सा होता है रेडिएशन, उससे क्या होता है उसके बाद कन्वेक्शन, और सबसे स्लोएस्ट प्रोसेस कौन सा होता है कंडक्शन, और आपको बता ये वाला रेट ऑफ हीट फ्लो, समझ गए, पहला कंडक्शन का कैसे हीट फ्लो करना, तो अगर डायमेंशन से आप फॉर्मूला लिखिए, कोई बहुत आसान क्वेश्चन, फॉर्मूला लिखिए Q/T रेट ऑफ हीट फ्लो बराबर क्या हो गया KA T1 माइनस T2 बाय L, एक बार क्योंकि मटेरियल सेम है, एक बार एरिया क्या होगा पाई स्क्वायर, दूसरे बार एरिया क्या होगा आपका A1 को अगर पाई स्क्वायर है तो A2 क्या होगा 4π r² होगा, क्योंकि आपके A2 जो है पाई रेडियस 2R का होल स्क्वायर मींस 4π r² मींस क्या होगा 4π 4A1 हो जाएगा, क्योंकि एरिया 4 गुना और लेंथ डबल हो रहा, तो आप यहां से ऐसे ही बोल सकते H2 बराबर क्या होगा 2H1, समझ गए, और भी रिमेनिंग PYQ क्वेश्चन हम करेंगे डेली बाय डेली बेसिस, थैंक यू।